परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। आज का हमारा टॉपिक है अरेंजिंग लेटर्स, कि हम किसी भी वर्ड के लेटर्स को अरेंज करके कितने तरीके बना सकते हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड रॉक बी अरेंज्ड। मीन्स आपको जो ये रॉक वर्ड दे रखा है उसके लेटर्स का आप यूज करके कितने अलग अलग वर्ड्स बना सकते हैं, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज आप कितने तरीके से लिख सकते हैं। और आपने पहले के वीडियो देखे हों तो ये प्रॉब्लम भी उसके जैसी ही है, और आपको पहले के वीडियो अच्छे से समझ में आते हैं तो आप इस प्रॉब्लम को भी इजीली कवर अप कर सकते हैं। इस टाइप से अगर आपको वर्ड बनाने को दिए जाएँ तो आप रॉक वर्ड को कितने टाइप से मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। प्रीवियस सेशन में इस टाइप की आपने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखी होंगी। तो देखिए, सबसे पहले जो रॉक लेटर्स है उसमें आपके कितने डिजिट्स हैं, मीन्स फोर लेटर्स हैं, तो आपको इसको फोर डिजिट्स कंसीडर कर लीजिए। तो नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर, ये उस टाइप का क्वेश्चन आपका हो गया। तो इसके लिए आप सबसे पहले चार स्लॉट ले लीजिए, क्योंकि आपके पास चार लेटर्स हैं। अब इन चार लेटर्स को इन चार स्लॉटों में आप अलग अलग टाइप से रख के उसको अरेंज करिए। तो जो आपका पहला स्लॉट है, अगर आप उसको फिल करना चाहेंगे रॉक वर्ड के किसी भी लेटर से, तो आपके पास कितने ऑप्शन हो सकते हैं, तो आपके पास फोर वेज होंगे। रॉक वर्ड के किसी भी लेटर को फर्स्ट स्लॉट में रखने के लिए आपके पास चार तरीके हैं। उसी टाइप से अगर आप रॉक लेटर के किसी दूसरे वर्ड को अगर आप दूसरे स्लॉट में फिल करेंगे तो आपके पास थ्री वेज होंगे। अगर पहले तरीके में आपने ओ फिल कर दिया तो दूसरे में आर सी के, इन तीनों से कोई भी लेटर आ सकता है। पहले में अगर सी फिल करा तो आपने देखा कि आर ओ और के में से कोई भी लेटर दूसरे स्लॉट में आ सकता है, तो आपने पहला स्लॉट फिल कर लिया, दूसरा स्लॉट फिल कर लिया। अब बारी है थर्ड स्लॉट की। तो जब आपने दो लेटर यूज कर लिए तो थर्ड स्लॉट फिल करने के लिए आपके पास टू वेज बचते हैं, और फर्स्ट स्लॉट फिल करने के लिए आपके पास वन वे बचता है। तो आप देखिए, आपके पास फोर वेज, थ्री वेज, टू वेज और वन वे हो गए। अब आपको क्या करना है, ये जो रॉक लेटर है, रॉक वर्ड है, इसके लेटर्स को यूज करके कुल कितने आपके वेज तैयार हो जाएंगे वो आपको बताना है। तो देखिए, फोर, थ्री, टू, वन, तो आप क्या करेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा, आपको 24 आंसर मिल जाएगा। मीन्स आप 24 वेज इतने तरीके से लिख सकते हैं रॉक लेटर्स को अरेंज करके। मीन्स ये क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल, जैसे कि आप पहले की प्रॉब्लम में क्लियर कर चुके हैं। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, आप इस लाइन को याद कर लीजिए। ये भी आपका एक एनाग्राम टाइप की प्रॉब्लम हो गई, एनाग्राम ऑफ द वर्ड रॉक, तो रॉक वर्ड का एनोग्राम हो गया। लाइक ओ के आर सी, के आर ओ सी, मीन्स आपको रॉक वर्ड के लेटर्स का यूज करके अलग अलग टाइप्स के वर्ड बना देते, तो आपका उसका आंसर कितना आ गया, 4 फैक्टोरियल। इसी टाइप से एनाग्राम ऑफ मूव कितना होगा वो आप देखिए, इसका आप हमें आंसर बताइए, और जो भी आपका आंसर है वो आप कमेंट कर दीजिएगा। इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू।